नमस्कार सुप्रभात। सुबह की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दिल्ली और दिल की दूरी मिटे, जम्मू कश्मीर के लोगों को हो फायदा। नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए। उमर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के फैसले से सहमत नहीं, हम अदालत का करेंगे रुख। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने कहा है कि वह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो और उसे राज्य का दर्जा मिले। उमर ने कहा कि इस बैठक में एक उम्मीद बनी है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोली महबूबा मुफ्ती, लोगों की भलाई के लिए हो पाकिस्तान से बातचीत। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि सभी पार्टी प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान इस बात पर सहमत हुई कि जम्मू कश्मीर में शांति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी नेताओं से अपील की है कि शांति तभी आएगी जब सभी साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पर करीब 3.5 घंटे लंबी बैठक चली। इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार करेंगे। अब खबरें फटाफट अंदाज में। कश्मीरी नेताओं से बोले पीएम मोदी, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूं। जेके को लेकर नई दिल्ली में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दिल्ली में सबसे बड़ी पहल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा गैरकानूनी तरीके से 370 हटाया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वे मानती है कि पाकिस्तान से जब बातचीत होती है तो कश्मीरियों को भी सुकून मिलता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर गुरुवार को हुई बैठक 3.5 घंटे बाद हुई खत्म। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे पहले विश्वास बहाली होनी चाहिए, हम 5 अगस्त को नहीं मानते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि उनकी तरफ से पीएम के सामने 5 मांगे रखी गई थी। इसमें तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा देने से लेकर विधानसभा चुनाव कराने तक की मांगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 7 जिला कलेक्टर्स संघ की मीटिंग। रेलवे ने किया 56 स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार, यूपी बिहार की यात्रियों को होगा लाभ। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, पीएम मोदी की बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य की बहाली के प्रमुख मील के पत्थर हैं। इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का तंज, 16 साल सीएम रहने के बाद भी बिहार में क्यों नहीं कराते ट्रीटमेंट। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोवैक्सीन की वैधता को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने पत्र में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ने लगाया उद्धव ठाकरे पर आरोप, कहा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है सरकार। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सीएम अशोक गहलोत, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को कहा स्वास्थ्य मंत्री के घर जाकर धरना दीजिए। दिल्ली यूपी के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कश्मीर पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, किसी की आजादी नहीं छीननी चाहिए, क्यों छीना गया पूर्ण राज्य का दर्जा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी छात्रों को देगी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, 10 लाख रुपए तक पढ़ाई के लिए मिलेगा लोन। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, जमीनी लोकतंत्र को करेंगे और मजबूत। भारत की पाकिस्तान को दो टुक, विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, पाक से संबंधों को लेकर हम पुराने रुख पर कायम। WHO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अफ्रीका कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त करने के दिए निर्देश। पीएम मोदी का बयान, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक साथ बैठना और विचारों पर आदान प्रदान करने की क्षमता है। हम अदालत के जरिए धारा 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उमर अब्दुल्ला का बयान। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।